अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज हम अपने चैनल पर काफ़ी दिनों बाद आपको देखे होंगे। तो आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही स्पेशल रेमेडी, जिसकी हर लड़की को ख्वाहिश होती है कि उनकी जो स्किन हो वो काफ़ी ज़्यादा ग्लोइंग हो, बिल्कुल ग्लास क्लियर हो, जस्ट लाइक जैपनीज ग्लास क्लियर स्किन। तो ये जो रेमेडी है ये बिल्कुल उसी तरह की, इसके लिए कोई ज़्यादा चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ चंद ही चीज़ें चाहिए जो हमारे घर में अवेलेबल होती हैं। और उसके लिए चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ, आप नोट कर लें। और इस रेमेडी को आपने लाजमी ट्राई करना है, 100% इफ़ेक्टिव है। ये मैं ख़ुद पर्सनली यूज़ करती हूँ। तो चलें रेमेडी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने ले लेना है, क्या आप गेस करें, ये है मिल्क पाउडर। 2 चम्मच के करीब मिल्क पाउडर ले लें। मिल्क पाउडर आप कोई सा भी ले लें जो आपके पास अवेलेबल हो, मिल्क पाउडर 2 चम्मच ले लेना है। और इसके साथ हमने ले लेनी है 2 चम्मच के करीब कॉफ़ी। कॉफ़ी भी हर घर में मौजूद होती है, अगर नहीं भी मौजूद है तो वो इजीली आपको साशे से कहीं से भी मिल जाएगी, नीचे बेकरी स्टोर वगैरह से मिल जाएगी। इसके साथ हमने ले लेना है हनी। हनी आपके पास प्योर हनी होना चाहिए, और हनी भी हम थोड़ी सी क्वान्टिटी में ले लेंगे। इसके बाद कोई से भी 2 हमने विटामिन के कैप्सूल या वाइटनिंग कैप्सूल्स जो आपके पास अवेलेबल हो वो हमने लेके इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स इस तरह करना है कि पूरी चीज़ें जो हैं एक साथ मिक्स हो जाएं, और फिर इसको आपने अपने फेस पे लगाना है। बिलीव मी, आपको एक ही बारी में इसका रिज़ल्ट पता चल जाएगा, क्योंकि ये मैं पर्सनली ख़ुद यूज़ करती हूँ और बहुत ही ज़्यादा वाओ रिज़ल्ट है इसका। आप एक बार यूज़ करें और इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, आप लोग हमें दुआएं देंगे। अब इस ये मुझे थोड़ा सा थिक फॉर्म में लगा, तो इसमें थोड़ा सा हनी मैंने और डाल दिया। इसमें कोई पानी वगैरह नहीं चाहिएगा, बिल्कुल प्योर इंग्रेडिएंट से ये बना हुआ मास्क है, या पैक कह लें, मास्क कह लें। इसको आपने अपनी स्किन पर अप्लाई करना है और 15 से 20 मिनट तक अपनी स्किन पर रखना है। इसमें कोई केमिकल वगैरह हमने नहीं डाला, तो ये बिल्कुल भी स्किन के लिए हार्मफुल नहीं है। थोड़ी देर इसको हम पैक बना के, मतलब मिला के इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, ताकि ये बिल्कुल मेल्ट हो जाए, कॉफ़ी अच्छे से मेल्ट हो जाए चीज़ों में। और फिर इसको आपने अपने फेस पर अप्लाई करना है। जैसे आप फेस पे अप्लाई करेंगे ना, आपको दिखेगा कि जो फेस की जो हमारी गर्माइश होती है, हमारे बॉडी टेम्परेचर होता है, इसकी वजह से जो कॉफ़ी और मिल्क पाउडर वगैरह मेल्ट होने लगेगा। लेकिन उसकी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। आप क्या करें, उसको साथ साथ हल्के हल्के हाथों से फिंगर टिप की मदद से पूरे फेस पर आपने स्क्रब कर देना है। अच्छे से आप स्क्रब कर देंगे बिल्कुल लाइट लाइट हाथों से, क्योंकि इसमें जो है हल्के हल्के पाउडर के और मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर आप तेज़ से करेंगे तो आपके फेस पर रैशेस पड़ सकते हैं। तो बिल्कुल फिंगर टिप से बिल्कुल लाइट हाथ से आपने फेस पे स्क्रब करके और फेस को बिल्कुल नॉर्मल पानी से आपने वॉश कर रहे हैं। स्किन से रिलेटेड कोई और प्रॉब्लम हो अगर आपको, तो वो आप हमने कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इंशाल्लाह वी विल ट्राई आर बेस्ट कि आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया जाए। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और दूसरों के साथ शेयर भी करें, और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद कीजिएगा।